हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीतू निगम। वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि क्लास फर्स्ट में बच्चों को कंप्यूटर्स ओलंपियाड की तैयारी कैसे करवाई जाए और उसका सिलेबस क्या है। आज हम चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैन मेड मशीन। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैन द्वारा नहीं बनाया गया है। ऑप्शन ए जूसर, बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, सी कैमरा एंड डी ट्री। इसका ऑप्शन डी ट्री जो है मैनमेड द्वारा नहीं बनाया गया है, जबकि ए बी एंड सी तीनों मैनमेड द्वारा बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क अ कंप्यूटर कैन डू फॉर यू। इनमें से कौन सा ऐसा टास्क है जो आप कंप्यूटर पर कर सकते हैं। ऑप्शन ए ड्रिंक वाटर, ऑप्शन बी ईट फूड, प्ले म्यूजिक एंड डी ऑल ऑफ दिस। इनमें से हम कंप्यूटर्स पर प्ले म्यूजिक यानी म्यूजिक सुन सकते हैं, जबकि कंप्यूटर पर हम पानी नहीं पी सकते हैं और ना ही खाना खा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन डैट नेवर गेट टायर्ड, यू कैन प्ले गेम्स ऑन इट। इनमें से कौन सा ऐसा मशीन है जो कभी टायर्ड नहीं होता है, अर्थात थकता नहीं है, और जिस पर तुम गेम्स खेल सकते हो। ऑप्शन है बाइसाइकिल, डेस्कटॉप कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज। इसका ऑप्शन है बी डेस्कटॉप कंप्यूटर, जिस पर हम गेम्स खेल सकते हैं और जो कभी भी नहीं थकता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रन्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी। इनमें से किसे हम बिजली के द्वारा चलाते हैं। फेविक्विक, पेंसिल, ईयर रिंग्स, डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को हम इलेक्ट्रिसिटी से चलाते हैं। नंबर 5, अरेंज द फॉलोइंग मशीन इन ए लार्जेस्ट टू ए स्मॉलेस्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ स्पेस दे टेक ऑन अ टेबल। इसमें से इन मशीनों को अरेंज करना है लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट ऑर्डर में, यानी बड़े से छोटा, यानी टेबल पे कौन सबसे ज़्यादा जगह लेता है, उसके बाद कौन सी जगह लेता है, फिर उसके बाद कौन जगह लेता है। तो इसका ऑप्शंस ए 1, 2, 3, 1 डेस्कटॉप कंप्यूटर, सेकंड नंबर लैपटॉप एंड थर्ड टैबलेट या मोबाइल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी यूज टू प्ले गेम्स। इनमें से किस प्रकार के कंप्यूटर्स पर हम गेम्स खेल सकते हैं। ऑप्शन ए लैपटॉप, बी डेस्कटॉप कंप्यूटर एंड सी टैबलेट, डी ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन तीनों टाइप्स के कंप्यूटर्स पर हम गेम खेल सकते हैं। 7, विथ द हेल्प ऑफ गिवन टाइप ऑफ मशीन यू कैन, ऑप्शन है लिसन टू म्यूजिक, ईट फूड, क्लीन हाउस, प्लांट ट्री। ये दिए गए मशीन में से हम कौन सा काम कर सकते हैं। लिसन टू म्यूजिक, म्यूजिक हम सुन सकते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स पर, यस। ईट फूड, नो, हम फूड नहीं खा सकते हैं। क्लीन हाउस, इससे हम घर साफ नहीं कर सकते हैं। प्लांट ट्री, इससे हम ट्री नहीं लगा सकते। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए लिसन टू म्यूजिक। इस मशीन की सहायता से हम म्यूजिक को सुन सकते हैं। 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कंप्यूटर। इनमें से कौन टाइप ऑफ कंप्यूटर नहीं है, यानी कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए लैपटॉप, टैबलेट, पाम टॉप, टैब टॉप। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी टैब टॉप, जो कि कंप्यूटर्स का टाइप नहीं होता है, जबकि लैपटॉप, टैबलेट एंड पाम टॉप कंप्यूटर्स के
टाइप्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। ए डेस्कटॉप कंप्यूटर्स लैपटॉप, बी में लैपटॉप एंड मोबाइल फ़ोन, सी टैबलेट एंड टैबलेट कंप्यूटर और डी पाम टॉप एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर। इसका करेक्ट मैच है ऑप्शन सी टैबलेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैन मेड एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। ऑप्शन ए माइक्रोवेव, टू मोबाइल एंड थ्री फैंस। ऑप्शन 1, 2 and 3 आर मैन मेड एंड इलेक्ट्रॉनिक मशीन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 1, 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ डिवाइस। डिवाइस क्या है? ऑप्शन ए इट इज अ मशीन डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। ऑप्शन बी इट इज अ नेचुरल थिंग्स मेड बाय नेचर। ऑप्शन सी इट इज एन आर्टिफिशियल थिंग्स मेड बाय नेचर एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है ऑप्शन ए इट इज अ मशीन डिजाइन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। यह डिवाइस एक प्रकार का मशीन होता है जो पर्टिकुलर पर्पस के लिए डिजाइन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द जंबल वर्ड गिवन बिलो। ये जंबल वर्ड है जिससे हमें मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो इसमें हमारा COMPUTER कंप्यूटर शब्द इससे बनता है। इसका ऑप्शन है इट इज़ ए मैन मेड मशीन, इट इज़ नॉट एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ऑप्शन सी यू कैन नॉट प्ले म्यूजिक ऑन इट एंड ऑप्शन डी यू कैन नॉट सॉल्व सम ऑन इट। इसका आंसर है ऑप्शन ए इट इज़ ए मैन मेड मशीन, यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया मशीन है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन हेल्प यू इन योर होमवर्क लाइक सॉल्विंग सम। इन मशीनों में से कौन सा ऐसा मशीन है जो आपके होमवर्क लाइक सम सॉल्व करने में मदद करता है? इसका ऑप्शन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, बोथ ए एंड बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, जबकि वॉशिंग मशीन एंड माइक्रोवेव के द्वारा हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन बिलो। लेफ्ट, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वुड इट फॉर्म बाय यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ दिस पिक्चर्स। इन पिक्चर्स में दिए गए पिक्चर्स के हर पिक्चर्स के फर्स्ट लेटर को लेते हुए हमें एक वर्ड तैयार करना है, जैसे ट्री, एप्पल, बॉल, लैम्प, एलिफेंट, टैप। इन सभी का फर्स्ट लेटर हम लेते जाएंगे, ट्री का टी, एप्पल का ए, बॉल का बी, लैम्प का एल, एलिफेंट का ई और टैप का टी। इन सभी वर्ड को मिला कर लेने से यह टैबलेट एक वर्ड तैयार होता है, TABLET। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी टैबलेट। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी मशीन नेम आर हिडन इन द गिवन ग्रिड। इस ग्रिड में दिए गए वर्ड में से हमें दो मशीन फाइंड करनी है। पहला हो जाता है CAR कार एंड दूसरा है COMPUTER कंप्यूटर्स। तो इसके ऑप्शंस हो जाएंगे ऑप्शन डी 2, इसमें दो मशीन छुपे हुए हैं। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इस चैप्टर से बताएंगे। ओके, थैंक यू। प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इसी तरह के अन्य वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।